नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक भारद्वाज। तो आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा दीपावली के ऊपर। हम चर्चा करेंगे इसके शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में, आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे शुभ मुहूर्त और तिथि में जो है दीपावली का पूजन करके आप अपने घर में लक्ष्मी का आगमन कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बेल आइकन को जाके दबाइए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक जानकारी ज्योतिष से संबंधित और मुहूर्त से संबंधित आपको समय समय पर मिल सके। तो दर्शकों, जैसा कि अभी मैंने बात की कि हम दीपावली के ऊपर चर्चा करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि दीपावली है क्या, त्यौहार है क्या और ये क्यों मनाया जाता है और इसका हमें लाभ क्या मिलता है। असल में देखिए दीपावली जो है प्रकाश का त्यौहार है, ये तो हम सब जानते हैं कि दीपावली हम जैसे ही बोलते हैं तो एकदम से हमें जगमग लाइटें और दिए नजर आने लग जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि चारों तरफ जगमग ही जगमग है। तो असल में देखिए कि होता क्या है कि व्यक्ति के जीवन में ये सभी दुखों का अंत करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि जो भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हम अपने जीवन में चाहते हैं उसको उजागर करने के लिए दीपावली का जो है त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली जो त्यौहार है उसका महत्व ही अगर देखा जाए तो देखिए यही है, जैसे भगवान होते हुए भी भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता जी को वनवास जाना पड़ा, उनको कितना संघर्ष करना पड़ा, अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर देखिए उस संघर्ष के बाद अगर देखा जाए तो उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आया, जो है कि संघर्ष से वो बाहर निकले। और उसी तरीके से दिवाली का भी एक त्यौहार जो भगवान राम ने हमें संकेत दिया वो यही है कि जीवन में अंधकार आता है उसके बाद आपके जीवन में उजाला भी आता है। जैसे देखिए अगर बात की जाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, उन्होंने केवल यही नहीं संकेत दिया, उन्होंने ये भी संकेत दिया कि रावण जैसे ज्ञानी व्यक्ति, जिनको ज्ञानी हम कहते हैं क्योंकि वो ज्ञानी तो थे लेकिन क्या था कि उनको घमंड था, अहंकार था, तो उनके अहंकार के ऊपर भी उन्होंने एक सीख दी है कि एक दिन क्या होता है कि देखिए अंधकार कितना हो उसके बाद आपको उजाला आता ही है। उसी तरीके से जैसे देखिए कि किसी व्यक्ति में घमंड होता है, अगर वो देखिए घमंड करेगा तो अंधकार की तरफ ही जाएगा, और अगर वो सात्विक रह के चलेगा जीवन में तो वो रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ ही बढ़ेगा। तो दिवाली का पर्व भी इसी चीज़ को संकेत देता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और जो है कि हमें अपने विचारों को भी सकारात्मक रखना चाहिए कि सदैव हम रोशनी की तरफ बढ़ते रहें। जैसा कि हमने दीपावली के शुभ मुहूर्त की बात की थी, तो देखिए इस वर्ष दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है, कार्तिक अमावस्या का आरंभ 2 दिन के लिए हो रहा है, जो 27 अक्टूबर से दोपहर को 12:13 से प्रारंभ हो जाएगी। इस समय पर अमावस्या, मध्यान्ह, अपराह्न, सायंकाल, प्रदोष काल, निषेध काल एवं महानिषेध काल से युक्त होगी, इसलिए 27 अक्टूबर 2019 को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा एवं 28 अक्टूबर 2019 सोमवार के दिन अमावस्या सुबह प्रातः 9:09 पर समाप्त हो जाएगी। 27 अक्टूबर 2019 को दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में शाम को 5:42 से रात के 8:15 तक प्रदोष काल रहेगा, और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि दीपावली का पूजन प्रदोष काल में अगर किया जाए तो उसका फल काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाभदायक साबित होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर दीपावली का पूजन स्थिर लग्नों में किया जाए तो वो अत्यधिक लाभदायक साबित होता है, क्योंकि देखिए अगर आप चर लग्नों में दीपावली का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी आ तो जाती है लेकिन देखिए उसके बाद क्या है कि लक्ष्मी की स्थिरता नहीं रहती। तो स्थिर लग्नों में अगर आप दीपावली का पूजन करेंगे तो वो अत्यधिक लाभदायक साबित होगा। तो देखिए 27 अक्टूबर 2019 को अगर हम बात करें तो वृषभ लग्न शाम के समय में 6:51 से रात्रि के 8:47 तक रहेगा। अगर इस अवधि के दौरान में आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो ये अत्यधिक आपके लिए लाभदायक साबित होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का ही लग्न बन रहा है जो कि लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह लक्ष्मी से ही संबंधित है। निश्चित काल में स्थानीय समय और प्रदेश के समय के कारण कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, परंतु 27 अक्टूबर को रात को 8:16 से लेकर रात के 10:52 तक निश्चित काल रहेगा, उसके बाद अमृत की चौघड़िया होगी। ऐसे में व्यापारी वर्ग के लिए लक्ष्मी पूजन करना विशेष अनुकूल स्थिति देगा। धन लक्ष्मी के आह्वान के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि लक्ष्मी माता की पूजा, काली पूजा, कुबेर पूजा, लेखनी, अन्य मंत्र इत्यादि का आप जाप कर सकते हैं इस अवधि के अंदर, जो व्यापारी वर्ग है, और जो व्यापारी वर्ग नहीं भी है वो भी इस अवधि के अंदर जो है अगर देखिए नियमित जो है कि नियम के साथ अगर वो पूजा करते हैं तो उनको लाभ अवश्य मिलेगा। अपने गले की पूजा आपने इस समय में ज़रूर करनी है, उसको धूप दिखाना है,
लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो है धूप दिखाइए, इससे लक्ष्मी का आह्वान आपके घर में अवश्य होगा। महानिशित काल और सिंह लगन और कर्क लगन की अवधि में अगर आप देखिए पूजा करते हैं तो ये अवधि काफी पूजा के लिए शुभ मानी जाएगी। अगर इस अवधि के दौरान में आप पूजा करेंगे तो ये अनुकूल स्थिति ही रहेगी। दिवाली का मुहूर्त और मैंने आपको तिथि के बारे में बताया। अब जाने से पहले मैं आपको एक तो सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपके ये साल की जो दिवाली है बहुत ही आपके लिए शुभ साबित हो, आपके लिए घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके घर में धन दौलत ऐश्वर्य सुख समृद्धि सारी चीजें आपको प्राप्त हो। और साथ ही साथ मैं आपको एक ये विशेष बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि और लगन के अनुसार धन का ग्रह कौन सा बनता है या आपकी राशि और लगन के अनुसार आपके लिए कौन सी पूजा विधि अच्छी रहेगी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को धन को बढ़ा सके, तो उसके लिए आप स्क्रीन दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे रखा है उस लिंक पर आप क्लिक करके हमसे और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं।